मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक दुखद समाचार सामने आया है। शाहपुर नगर परिषद रहली विधानसभा में शिवलिंग बनाते समय दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए हैं। यह घटना रविवार सुबह घटित हुई, जब सावन के महीने में शिवलिंग निर्माण के दौरान अचानक मकान की दीवार गिर गई। रविवार को हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण एवं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। सावन के महीने में शिवलिंग बनाने के लिए 8 से 14 साल के बच्चे बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे, तभी अचानक मकान की 50 साल पुरानी कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे 9 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही समस्त प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया। कलेक्टर दीपक आर्या जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली एवं डॉक्टरों के उचित निर्देश दिए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर घटना का दुख व्यक्त करते हुए लिखा, सागर जिले के शाहपुर में हुई अति वृष्टि के कारण जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों की मौत की खबर सुनते ही मन दुखी हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन को उचित इलाज के लिए निर्देश दिए और भगवान से प्रार्थना की कि दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करे एवं हादसे में घायल बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के परियोजना को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शिवलिंग बनाने के दौरान बच्चों में उत्साह था, लेकिन इस दुर्घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मलबे को हटाकर बच्चों को निकालने का प्रयास किया और प्रशासन को सूचित किया। यह घटना एक गहरी सीख देती है कि जर्जर मकानों की नियमित जांच और मरम्मत कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर जब वहां धार्मिक और सामाजिक आयोजन हो रहे हों। प्रशासन और समाज को मिलकर ऐसे हादसों को रोकने के लिए तत्परता से कार्य करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हो। बहुत दुखद घटना है, जो भी कारण जो समझ में आ रहा है, प्रथम दृष्टया आप लोगों ने भी देखा है और हम लोग भी मौके पर ही हैं, तो कारण है इसका दीवार गिरना। और दीवार गिरने से पहले जो बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, वो एक टेंट के अंदर थे। टेंट के ऊपर पॉलीथीन लगी हुई थी वाटरप्रूफ करने के लिए, उसको उस कारण से शायद बच्चे निकल नहीं पाए और ये घटना हुई है। क्योंकि यहाँ पर सभी 9 बच्चों की मृत्यु उसमें हो गई, 2 बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है, 2 बच्चों से मिलकर आया हूँ। दोनों बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यही यहाँ पर है घटना। सर, यहाँ जो स्थानीय लोगों की मांग है कि हॉस्पिटल में अगर तुरंत इलाज मिलता तो कुछ लोगों की बच्चों की जान बच सकती थी। देखिए, ये बिल्कुल ये जो मांग है इस पर जाँच एक बार करवाई जाएगी सर। और सामने एक धर्मशाला भी बनी है, लोग कह रहे थे कि इसमें आयोजन होता अगर, लेकिन इस पर किसी का सामान वामान रखा है तो वो अनुमति नहीं दी गई और यहाँ खुले मैदान में। नहीं, अब ये सब चीज़ें बात की जाँच का विषय है। अगर जो भी इसमें कमियाँ हैं उन सबका जाँच में आएंगी, लेकिन सभी लोगों से मेरा आप लोगों के माध्यम से अपील है, अनुरोध है कि ऐसे जो आयोजन आप यदि आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुरक्षित स्थानों पर ही करें। और सभी नगर पालिकाओं को मैं निर्देश दूंगा कि वैसे ये नगर पालिका अधिनियम का एक है कि जो भी जीर्णशील मकान है उनको थोड़ा उनको पहले डिसमेंटल किया जाए, और यदि जो मकान बचे होंगे उनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई तत्काल की जाए। सर, अभी प्रथम दृष्टया जो इसमें दोषी होंगे अभी उत्तराखंड में, तो उन पर कोई कार्रवाई की जाए? उन पर भी कार्रवाई की जाए।